यहाँ पे जो बेस था ये सारे कांस्टेंट थे, 10, 10, 2, 5, तो कांस्टेंट आ गया हमारे पास ए, और उसकी जो पावर है वो वेरिएबल है। ये सारे आप देख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू, और जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है जी वाई। ये है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है कि आपके पास एक कांस्टेंट है और उसकी पावर वेरिएबल है। ये एक्स आपका वेरिएबल है और ये ए जो है ये एक कांस्टेंट नंबर है। ए यहाँ पर जिस तरह 10 था और पावर जो एक्स है ये वेरी हो रही थी 1, 2, 3। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि लॉगरिथम बेस जो है वो इधर आ जाएगी। अब इस नंबर की क्या पावर होनी चाहिए कि आंसर हमारा रिक्वायर्ड नंबर आना चाहिए, तो पावर जो है हम हमेशा राइट साइड पे लिखा करते हैं, तो एक्स जो है वो हम इधर लिख देंगे। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, 10 की क्या पावर होनी चाहिए कि आंसर 10 है, तो पावर 1 होनी चाहिए। 10 की क्या पावर होनी चाहिए कि आंसर 100 आए, तो जवाब है 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पावर लिखेंगे और इधर हमारा होगा जी रिक्वायर्ड नंबर जो यहाँ पे वाई है। तो इस तरह मैंने कोशिश की कि आपको लॉगरिथम का फिजिकल मीनिंग, इसका आइडिया, इसकी डेफिनेशन, इसका मकसद आपको क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।